नमस्कार, आरलाइन टीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद या फिर दिन में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और इस बैठक में आपको बता दें चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि झारखंड की चुनावों की तारीख थोड़ी देर बाद हो सकती है, लेकिन आज ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर और हरियाणा की 90 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले पहले मतगणना के अलावा आपको बता दें जो वोटों की गिनती है उनको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा है और 288 सदस्य महाराष्ट्र की विधानसभा है, और तीनों राज्यों की अगर बात की जाए तो बीजेपी की सरकारें हैं, और अब से 6 महीने के अंदर अंदर तीनों राज्यों में चुनाव आयोग को ये चुनाव संपन्न करवाने हैं। तो कुल मिलाकर हालात आपको बता दें, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए दरअसल आसानी यह है कि जो सीटों का गणित है वो शिवसेना के साथ जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि अब वहां सेटलमेंट हो चुकी है, वहां सीटों को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। हरियाणा में 75 पार का आंकड़ा रखा है खट्टर सरकार ने। इसके अलावा झारखंड की अगर बात की जाए तो पिछली बार 81 में से 37 सीटें जीती थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार रघुवर दास सरकार का ये मानना है कि बीजेपी इस बार 65 पार के आंकड़े को छुएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव आयोग आज दिन में कोई बड़ा फैसला ले सकता है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, खासतौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए आर9 टीवी के साथ।